वो जादू। अब हम ग्रेडियंट बनाते हैं। ये लिनियर ग्रेडियंट है, फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड कलर है। यहाँ से ये देखिए, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि ये देखिए साहब, ये एक ग्रेडियंट बन गया। इसका कोई और मकसद नहीं है, कलर जो भी आप चुनिए, ये सिर्फ डेप्थ को दिखाने में काम आएगा। तो चलिए जी, अब हम क्या करते हैं, एक फाइल न्यू खोलेंगे और इस वक्त हम पिक्सल्स में काम करते हैं। तो स्पेसिफिक पिक्सल्स चाहिए हमको 800, टैब लेके नीचे 600 पिक्सल्स, एंटर कर दीजिए। ये नया डॉक्यूमेंट खुल गया। अब हम डिफॉल्ट कलर्स ब्लैक एंड व्हाइट सेलेक्ट कर लें, और फिर क्योंकि फोरग्राउंड कलर ब्लैक है तो ऑल्ट और बैकस्पेस ब्लैक कलर, इसकी एक कॉपी कर लीजिए, ड्रैग कीजिए यहाँ पे, कॉपी कर लीजिए। बैकग्राउंड कलर व्हाइट है और कंट्रोल से बैकग्राउंड। आप पूछेंगे साहब, जो पहले व्हाइट ही बनाना था तो पहले ब्लैक क्यों किया? अब क्या करूँ साहब, अब पुरानी आदत जाती नहीं। अब हमको इसको, हमने अब वो जो फिल्म के टाइम पे जो नेगेटिव होते थे, जिनको नेगेटिव बोलते थे, उनकी शेप देनी है। तो क्या करेंगे, कंट्रोल टी दबाइए शॉर्टकट। यहाँ पे जो इनकी हाइट और विड्थ है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ऑल्ट दबाइए। ऑल्ट दबाने का एक फायदा है, जब आप यहाँ से नीचे लेके जाते हैं तो नीचे वाला भी ऊपर की तरफ भाग पड़ता है। तो आप यहाँ गौर कीजिएगा, हमको यहाँ पे ये 75% के आसपास लेके आना है, 75 के आसपास कहीं भी। ये देखिए ऐसा ही, यहाँ से ऑल्ट फिर दबाइए, यहाँ से कीजिए। अब की बार आप विड्थ देखिएगा, ये 85 के आसपास, एंटर कर दीजिए। अब आप देखिए, हमारे ये ब्लैक एंड व्हाइट नेगेटिव जो होते थे, या कलर नेगेटिव, या स्लाइड के जो फिल्म होती थी, वो इफेक्ट आ गया। अब इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, हमें दो कॉपी की जरूरत नहीं है। यहाँ से इसको ड्रैग करके हम इसके ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ लेके आएंगे इसको। अब ये देखिए, नेगेटिव का इफेक्ट आ गया है। अब हमें इसकी तीन कॉपीज और चाहिए, तो शॉर्टकट यूज करेंगे, कंट्रोल जे कंट्रोल जे कंट्रोल जे। अब कंट्रोल और क्लिक दबाएंगे तो जो सबसे ऊपर की लेयर है वो सिलेक्ट हो जाएगी। ड्रैग कीजिए, यहाँ ले आइए, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि साफ साफ देखें। लेफ्ट एरो यूज करके इसके ऊपर ले आइए ऐसे, फिर यहाँ कंट्रोल क्लिक कीजिए और ड्रैग करके इसको बाहर ले आइए, यहाँ लगाइए। लेफ्ट एरो करके इसकी स्पेसिंग अकॉर्डिंगली सेट कर लीजिए। एक बार फिर से क्लिक कीजिए और ड्रैग करके यहाँ ले आइए इसको। अभी हमारी फिल्म स्ट्रिप तैयार हो गई। सबसे ऊपर की लेयर को सिलेक्ट कीजिए और जो सबसे पहली लेयर है, इनको शिफ्ट दबाइए, क्लिक कीजिए, ये चारों सिलेक्ट हो गई। तो हमें ये चार अलग अलग नहीं चाहिए, एक ही चाहिए, तो हम इसको मर्ज कर देंगे इन सबको। मर्ज करने का शॉर्टकट है जी, कंट्रोल ई। ये सब मर्ज हो गई, अब ये सारी एक ही स्ट्रिप हो गई है। अब आपको याद हो तो जो नेगेटिव होते थे, उनके यहाँ पर कैमरा के ग्रिपर्स के लिए यहाँ पे वो स्क्वायर स्लॉट्स कटे हुए बने होते थे, तो वही इफेक्ट लाने के लिए हम स्क्वायर ब्रशेस हमको चाहिए। फोटोशॉप में स्क्वायर ब्रशेस साथ आते हैं, लेकिन इसमें बाय डिफॉल्ट लोड नहीं होते। आप यहाँ जाइए, यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रशेस मिलेंगे, आप इनके ऊपर क्लिक कीजिए। ये पूछेगा रिप्लेस ब्रश करने हैं, आपको अपेंड कर देना है। अपेंड का मतलब होता है कि जो ऑलरेडी ब्रशेस हैं उसमें आपके नए ब्रश ऐड हो जाएंगे। स्क्वायर ब्रश सबसे बड़ा साइज कर लीजिए, 24, ये अभी भी थोड़ा छोटा है, इसको थोड़ा और बड़ा कीजिए। ब्रश टिप शेप पे आइए और स्पेसिंग करीबन 300 के आसपास कर दीजिए, या 300। शिफ्ट क्लिक कीजिए, शिफ्ट दबाइए और ये देखिए, फिर से एक बार नीचे आइए, क्लिक कीजिए, शिफ्ट दबाइए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए सब, ये फिल्म स्ट्रिप का इफेक्ट आ गया। अब ये बीच में व्हाइट है, इसको ट्रांसपेरेंट करना है, तो मैजिक वैंड लेके, और ये ऐड टू सिलेक्शन है, इसमें ऐड कर देते हैं, और अब यहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे, कंट्रोल डी करके डी सिलेक्ट कर दीजिए। अभी हमारी फिल्म स्ट्रिप बन गई है। अब इसमें हमको फोटोज लेके आनी है। ये फोटो बियंका जी हैं, पिछली गर्मियों की खींची फोटो है शायद ये इनको मूव कीजिए यहाँ। ये फोटो यहाँ से मुझको स्ट्रेच करके ऐसे करनी पड़ेगी। अब आप सोचेंगे फोटो क्यों स्ट्रेच कर रहा है भाई, फोटो तो स्ट्रेच करनी नहीं चाहिए, लेकिन जो इफेक्ट हमको दिखाना है उसके लिए फोटो स्ट्रेच हो भी जाए तो वो बुरी नहीं लगेगी। अब आप देखें तो ये जो फोटो है, ये स्ट्रिप के ऊपर है, ये हमको स्ट्रिप के नीचे चाहिए। ये देखिए नीचे आ गए, ये थी फोटो, इसको अब डिलीट कर देते हैं। अब ये फोटो लेते हैं इसके ऊपर और यहाँ ले आते हैं। अब मैं अभी हाजिर होता हूँ ये बाकी दो फोटोज भी लेके आके, वरना ये बहुत लंबा हो जाएगा ट्यूटोरियल। हाँ जी, वेलकम बैक। अब ये देखिए, ये चारों फोटो ही इस स्ट्रिप पे आ गई हैं। अब ये रियलिस्टिकली आपको स्लाइड फिल्म स्ट्रिप लग रही है। तो अब क्या करेंगे सब, अब हम इनको, ये जो इसकी लेयर है और ये नीचे चार फोटोज हैं, ये देखिए, अब स्ट्रिप से लेके सारी फोटो सेलेक्ट कीजिए, बैकग्राउंड को छोड़ के, और कंट्रोल ई मर्ज कर दीजिए। अब ये सारा एक ही हो गया। अब हम क्या करेंगे,
इसकी थोड़ी सी शेप डायनामिक्स बदलेंगे। सो सिंपल है जी, कंट्रोल टी और राइट क्लिक करके वार्प चुन लीजिए। हमको यहाँ से इसके साथ में इसके कस्टम्स शेप्स भी साथ में आती हैं, तो ये फ्लैग वाला ऑप्शन चुन लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। तो अब हमको इसको थ्री डायमेंशनल बनाने के लिए और थोड़ी सी छिड़ाखानी कर, हम फिर से एक बार कंट्रोल टी दबाएंगे, यहाँ पे आके पर्सपेक्टिव चुनिए, शिफ्ट दिस बैक, इसको आगे ले आइए, एंटर कीजिए, फिर से एक बार कंट्रोल टी चुनिए और आपकी थोड़ा सा इसे पीछे खींच दीजिए और एंटर कीजिए। अब ये हमारे फिल्म स्ट्रिप बन गई। देखिए 3D इफेक्ट तो कुछ आ गया हुआ है, लेकिन शेडो के बिना ये 3D इफेक्ट अच्छा नहीं लगेगा। एक और नई लेयर बनाइए, ब्रश टूल लीजिए, काला ब्रश लेके साइज ब्रश का बड़ा करके करीबन ये साइज ठीक है, सॉफ्ट ब्रश लेके दबाइए, एक बार शिफ्ट दबाइए। और आप सोचेंगे ये क्या शेडो हुई, लेकिन ये अभी थोड़ी देर में इसका समझ आना शुरू हो जाएगा। इसको भी पर्सपेक्टिव दीजिए, कंट्रोल टी, यहाँ से स्क्रू खींचिए और जस्ट मिला दीजिए, और यहाँ पे इसका स्क्रू करके इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिए, और अब फिर से कंट्रोल टी कीजिए। अब ये जो इसका जो कोना है, इसके कोने से मैच करा दीजिए, थोड़ा सा और बड़ा करके, ये थोड़ा सा आई बॉल करके कहाँ पे अच्छा लगेगा। ये अभी भी देखिए थोड़ा सा यहाँ पे अगर इसे जूम करें तो ये अभी भी मिला नहीं है एक दूसरे से। यहाँ लाके राइट एरो की से नीचे राइट करके और ऊपर ये नच कर दीजिए। अब ये बन गई, लेकिन ये अब शेडो आगे नहीं हो सकती, शेडो पीछे आ गई। तो ये जब एक बार जब ऐसा शेप ले ले, इसकी ओपेसिटी कम करके अब इसमें ये थ्री डायमेंशन